नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 228वां एपिसोड। आज है 12 मार्च 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल की आठों टीमों के हवाले से आईपीएल की टीमों की कैप्टेंसी को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस कैंप में भी झांकने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। 10 बड़ी खबरें लेकर दिन भर में आईपीएल की हम हाजिर है। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। दरअसल दोस्तों सुरेश रैना को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब वो चेन्नई के कैंप को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि धोनी हो गए, रायडू हो गए, उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जगदीश हो गए, ये सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी शुरू कर चुके हैं और धोनी तो अलग लेवल के फॉर्म में प्रैक्टिस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब रैना की तरफ से रिपोर्ट आ गई है, चेन्नई के फैंस को खुशखबरी होगी, 21 मार्च को रैना ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक तरह से ये अच्छी खबर है सुरेश रैना के फैंस के लिए, चेन्नई के फैंस के लिए और आईपीएल के भी फैंस के लिए, एक लाइक बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की, अब हम बात कर लेते हैं भाई प्लेइंग 11 सामने आ गई है पहले T20 मैच की, जो कि इंग्लैंड और भारत के बीच अहमदाबाद में होने वाला शाम को होगा। तो ये आई बटन पर चल रहे वो भी जरूर देखिए। और दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ अपनी टीम भी बना लीजिए, ये हमारी टीम है लक्ष्मण के खिलाफ, क्योंकि अगर आप लक्ष्मण को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का 5 गुना पैसा मिलता है। जी हां दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बराबर जाइए, माय इलेवन सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहां पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए और 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लक्ष्मण को हराएंगे 5 गुना पैसा कमाएंगे ये तो है ही, साथ ही हर हफ्ते करोड़पति बनने का मौका आपके पास है। बहुत एक्सक्लूसिव दोस्तों ये ऑफर है, दादा, राशिद खान, लक्ष्मण, वॉटसन यहाँ पर टीमें बनाते हैं, पैसे डालने निकालो, प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। तो भाई दादा का भी भरोसा है, लक्ष्मण का भी भरोसा है, देर बिल्कुल मत कीजिए। फिर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स को लिए माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। This app involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है चोपड़ा आर्चर को लेकर। दोस्तों फिर से आईपीएल के हर फैन को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि चोपड़ा आर्चर आईपीएल खेलेंगे। पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब इंडिया इंग्लैंड पहले T20 मैच वो खेल रहे हैं, तो यहाँ से ये सारी अटकलों पर विराम लगता है, वो पूरा सीजन खेलेंगे यहाँ से ये तय है। तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि भाई आर्चर राजस्थान रॉयल्स की रीढ़ की हड्डी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के फैंस के लिए, सीएसके के हवाले से, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि चेन्नई को एक नया ओपनिंग पेयर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन चले गए हैं तो वॉटसन की जगह उथप्पा लेते हुए नजर आएंगे। पहले कहा जा रहा था कि उथप्पा की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी, लेकिन रॉबिन उथप्पा अम्बाती रायडू के साथ पूरे सीजन में ओपनिंग करेंगे। उथप्पा खुद ये बोल चुके हैं कि उन्हें ओपनिंग करना है, लेकिन सीएसके के भी सोर्सेस यही बोल रहे हैं, और अगर उथप्पा ओपनिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की साल के आईपीएल में रहेगी। अभी कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी खबर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। भाई तीन टीमों के कप्तानों के नाम सामने आ गए हैं जो कि वीक रहेंगे साल के आईपीएल में। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग स्टैट्स और आंकड़ों के मुताबिक ये तीन टीमों के पास कमजोर कैप्टेंसी है। पहले नंबर पर किसको रखा, हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से साल संजू सैमसन कप्तानी कर रहा है, नया अनुभव रहेगा इनके लिए। इससे पहले इक्के दुक्के मौकों पर ही उन्होंने आईपीएल में कप्तानी करी है और वो भी दिल्ली की तरफ से करी है। तो राजस्थान रॉयल्स सेंटर पॉइंट लिए यहाँ पर मुश्किल में फंसती हुई नजर आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संजू सैमसन बहुत बुरे कप्तान है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कप्तानी की है, लेकिन दोस्तों आपका मुकाबला विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी से होने वाला है। श्रेयस अय्यर भी अच्छी कप्तानी कर रहा है, वॉर्नर, उनके पास भी विलियमसन बैठे हुए हैं जो कि वाइस कैप्टन है, तो मुश्किल होगी सैमसन के लिए, इसलिए वीक रहेंगे कंपैरेटिवली। दूसरे वीक कप्तान है केकेआर के, केकेआर की तरफ से ओयन मॉर्गन कप्तानी कर रहा है। इनके रिकॉर्ड भारत में कैसे ये बताने की मुझे जरूरत है नहीं, ये ना बल्ला चलता है ना इनकी कप्तानी चलती है। हाँ यूएई में एक प्रदर्शन इनका देखने को मिला था, लेकिन अगर शुभमन गिल होते तो ये और मजबूत होते, क्योंकि फिर आने वाले समय में हम देख सकते थे कि भाई गिल एक सेंटर पावर ऑफ इंडियन क्रिकेट बन जाते, लेकिन गिल नहीं है अभी तक, इन्होंने उन्हें कप्तान नहीं बनाया, वाइस कैप्टन ही बनाया है, तो मुश्किल में तो केकेआर रहेगी। मेरे हिसाब से गिल को कप्तान बना देना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। तीसरी टीम आप हैरान हो जाएंगे, चेन्नई की टीम। दोस्तों
महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे बड़े कप्तान हैं और उनके बारे में बात हुई नहीं रहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स को विकल्प चाहिए होंगे और कप्तानी कमजोर इसलिए होगी इस साल क्योंकि धोनी अपनी कप्तानी किसी को देकर जाएंगे। ये आखिरी सीजन है उनका, अगले साल से वो नहीं दिखेंगे, जो रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली धोनी जाएंगे कि कोई इनका उत्तराधिकारी बने और वहां पर इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सुरेश रैना एक विकल्प है लेकिन वो भी अब एंड ऑफ द अपने सीजन पर जा रहे हैं, लंबे अरसे से पिछले साल तो चेन्नई की तरफ से खेले ही नहीं थे। तो आप पास ऑन किसको करेंगे ये कप्तानी? तो कैप्टेंसी में दिक्कत होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। धोनी वन ऑफ द ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान है, लेकिन उनके बाद क्या होगा ये सवाल इस साल चेन्नई को कचोटेगा। तो ये तीन टीमें हैं जिनकी कप्तानी में इस साल हमें दिक्कतें देखने को मिलेगी। आप अपनी राय इन पर जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट आ गई है भाई, इंडिया इंग्लैंड पहले T20 मैच के लिए पिच रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। स्पिन फ्रेंडली विकेट रहेंगी, हालांकि क्योंकि लंबा मैच चलेगा नहीं, 3 घंटे में दोनों इनिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट शायद देखने को ना मिले। समय के साथ अहमदाबाद टर्न ज्यादा करता है तो इसीलिए उतनी ज्यादा टर्न नहीं होगी जितनी टेस्ट मैचों में देखी थी, लेकिन टर्निंग विकेट फिर भी रहेगी, स्पिनर्स हावी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं भाई, दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। दिल्ली कैपिटल्स ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव का नाम है स्माइल। दरअसल दोस्तों कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका, जहां से ये लोग पैसा कमाते थे वो गवा दिया है, उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स स्माइल नाम का फाउंडेशन अब चलाएगी और इन्हें मदद करेगी, पैसों के जरिए भी इन्हें काम दिलाएगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दिल से एक लाइक आपका बनना चाहिए इसके लिए, क्योंकि भाई मैं तो खुद ही इसके अपनी वीडियो को लाइक करूंगा इस इनिशिएटिव देखने के बाद, हर टीम को ये करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नौवीं बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। केविन पीटरसन ने आईपीएल को लेकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को जवाब दे दिया है। दरअसल दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ी अपने जो प्लेयर्स के आईपीएल जाने से काफी ज्यादा गुस्सा थे, वो बोल रहे थे कि नहीं आईपीएल नहीं जाना चाहिए भाई, लेकिन अब पीटरसन ने कह दिया, है कि लीव द प्लेयर्स आउट ऑफ दिस, मतलब खिलाड़ियों को इन सब बहसों से दूर रखा जाए, खिलाड़ी की मर्जी होनी चाहिए, वो जहां जाकर खेले जैसा खेले, और देश के लिए खेलना चाहता है तो देश के लिए खेले, अगर वो T20 लीग्स में खेलना चाहता है तो T20 लीग्स में खेले, आप उसकी देशभक्ति की परीक्षा नहीं ले सकते। और यही पीटरसन का कहना है, ना आप उसकी पैसे काट सकते, आप इससे कितना राजी हैं, तैयार हैं, मतलब आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है ये वडोदरा के हवाले से आ रही है भाई, वडोदरा में भी एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनना तैयार हो चुका है, 30,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बनेगा। हालांकि दोस्तों अहमदाबाद के पड़ोस में ही है वडोदरा, और मतलब गुजरात तो नेक्स्ट लेवल पर ही क्रिकेट में तरक्की कर रहा है। ये तो थी दोस्तों दिन भरी 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।